आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस रविवार की आराधना के लिए, जब परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है कि हम उसकी महिमा और आराधना स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर सभा को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य और अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु प्यारे प्रभु जी, हम आज के इस समय में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। पिता अपने आप को छोटा, दीन, नम्र करके, खाली करके हम आपके समीप आते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संडे वर्शिप में हमारे साथ शामिल हैं परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर पिता, हर एक को आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आगे जब हम पिता प्रभु गाते हैं, बजाते हैं, आपके भजनों को गाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, इन सारी बातों में प्रभु पवित्र आत्मा आप हम सब की अगुवाई करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबको आपके लहू में ढांपते प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु आपकी उपस्थिति हम सब के संग में बनी रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना को शुरू करने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 111, उसका हम एक पद से लेकर पांच पद तक पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। यदि आपके पास बाइबिल है तो आप अपनी बाइबिल को खोल लीजिए और मेरे साथ मिलकर इस भजन संहिता को पढ़ें। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहुआ का धन्यवाद करूंगा। यहुआ के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वह उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्म का स्मरण कराया है, यहुआ अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन को गाएं, और भजन के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यदि आपको ये भजन आता है तो आप भी हमारे साथ मिलकर इस आराधना के भजन को गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना सजाता रहे, दुनिया का
सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू। जब तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जलाल पाता रहे। सच में मेरे परमेश्वर पिता, हमारा उठना और हमारा बैठना परमेश्वर पिता आपको भाई परमेश्वर, लॉर्ड हमारे जीवन से प्रभु आपको स्तुति और आराधना मिले। लॉर्ड सच में मेरे प्रभु, ये जिंदगी प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु, ये तुझे भाई लॉर्ड फादर, तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवनों में चले प्रभु, ताकि परमेश्वर हम तुझे अपने जीवनों से जलाल दे सके। ओ लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। ये आराधना सुगंधित धूप के समान आपको ग्रहण योग्य हो मेरे यीशु पिता। जो भी हमने यहाँ पर गाया और बजाया है परमेश्वर पिता, आप इसे ग्रहण करें यीशु मसीह पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। जब हम प्रभु आपके वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो होने दे परमेश्वर हम सब को, आप अपने सुनने वाले कान दे प्रभु, और हमें ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर पिता। लॉर्ड हम सब को अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जब वो प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। काफ़ी समय तक उन्हें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मसीह से पीछे हट जाते हैं और चर्च जाना छोड़ देते हैं, किसी से भी मेल मिलाप रखना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि प्रभु तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, प्रभु यीशु मसीह तो कुछ भी नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, हम तो काफी समय से बेरोजगार हैं, हमने प्रार्थनाएं भी की परंतु उत्तर नहीं आया और हम आज भी बेरोजगार हैं। कई लोगों का सवाल है कि उन्होंने जो कुछ प्रभु से मांगा वो उन्हें नहीं मिला, इसलिए कई हम में से बहुत सारे भाई बहन बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु से पीछे हट जाते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, मसीह की बातों को सुनना और उन पे मनन करना सब कुछ छोड़ देते हैं, मानो कि वे परमेश्वर से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि ऐसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, यदि ऐसा आपके मन में भी ऐसा विचार आता है, तो आज का वचन आपके लिए है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम जकरिया नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु का याजक है और उसकी पत्नी का नाम इलीशिबा है। इलीशिबा और जकरिया दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, और उनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। पहली बात जो लिखी है कि वे दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी थे। मेरे प्रियो, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, जकरिया और
पहली सी बात जो दोनों स्वयं परमेश्वर की नजरों में धर्मी थे, वो धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते थे, बहुत अच्छे लोग थे, परमेश्वर की नजरों में भी वो धर्मी थे, वो कोई गलत काम नहीं किया करते थे। फिर आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वे परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते थे। जो कुछ परमेश्वर ने पुराने नियम में आज्ञाएं दी थी वे सारी आज्ञाओं को मानते थे। वो दोनों परमेश्वर से इतना प्रेम करने वाले लोग थे कि वे दोनों के दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते थे। और फिर लिखा है कि वो परमेश्वर की सारी विधियों को भी माना करते थे। जो कुछ विधियां परमेश्वर ने बताई थी वो सारी विधियों को फॉलो किया करते थे। यदि मैं अपने शब्दों में इस प्रकार से कहूं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट थे, धर्मी थे, सारी आज्ञाओं पर चलते थे और सारी विधियों को भी माना करते थे। और सबसे बड़ी बात कि वे परमेश्वर के ही याजक थे। जकरिया जो था वो परमेश्वर का याजक था, परंतु फिर भी उनके जीवन में एक बात की कमी थी, उनके पास कोई भी संतान नहीं थी और अब वे बूढ़े हो चुके थे। तो मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने उस संतान के लिए प्रार्थना नहीं की होगी? हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने प्रार्थना की होगी, क्योंकि वो प्रभु के लोग थे, क्योंकि वो धर्मी लोग थे, क्योंकि वो उसके आज्ञाओं को मानते थे, उसकी विधियों पर चलते थे, वो उसके याजक थे। तो उन्होंने अपनी संतान के लिए भी प्रार्थना की होगी, संतान प्राप्ति के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की होगी, परंतु वे दोनों बूढ़े हो चुके हैं और उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, अभी तक उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। वो भी ऐसा सोच सकते थे जैसा आप सोचते हैं कि परमेश्वर तो प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, कोई परमेश्वर तो है ही नहीं, हमारी तो कोई सुधि लेता ही नहीं है, हमारी तो समाज में नाम धराई होती है और इस नाम धराई से छुटकारा देने के लिए कोई भी नहीं है। यहां तक कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, वो बहुत सी बातों को सोच सकते थे परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर से पीछे हट सकते थे, उसका याजक का काम छोड़ सकते थे, धार्मिकता का जीवन छोड़ सकते थे और उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को मानना छोड़ सकते थे। परंतु यहां पर हम देखते हैं हालांकि उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर की विधियों को मानना न छोड़ा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना न छोड़ा और परमेश्वर के लिए धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना न छोड़ा और जकरिया ने अपने याजकीय काम को भी नहीं छोड़ा, जैसे हम में से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, परंतु इन दोनों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये जानते हैं हालांकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, परंतु परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो इस योग्य है कि हम उसकी आराधना को फिर भी करें, वो इस योग्य है कि हम फिर भी उसके लिए धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, हम फिर भी उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी विधियों को मानेंगे, हालांकि उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे जीवन में नहीं दिया है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा उनके जीवन में यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर उनके जीवन से एक बड़ी महिमा को ले सके। और परमेश्वर ने एक समय ऐसा आया जब इलीशिबा गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम यहुन्ना रखा गया, जो बपतिस्मा दिया करता था, और उस यहुन्ना के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्त्रियों से जन्मे हुए में से ये सबसे महान है। और मेरे प्रियो, उसी ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसी ने प्रभु के रास्ते को सीधा किया, उसी ने प्रभु के लिए एक मार्ग को तैयार किया। मेरे प्रियो, प्रभु की उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी कि वो उनके जीवन में उस योजना को पूरा करे सही समय पर, इसलिए प्रभु ने आज तक उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। और जब उत्तर दिया सही समय पर प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर दिया, कब? जब वो इंतजार करते रहे, जब वो धीरज से प्रभु की बाट जोते रहे, वो प्रभु से पीछे नहीं हटे, प्रभु की आज्ञाओं पर मानते रहे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते रहे, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते रहे, तब प्रभु ने उनके जीवन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको न मिल रहा हो सकता है आपको लग रहा है कि
कोई प्रभु नहीं है, कोई हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, जो कुछ आपने मांगा वो आपके जीवन में नहीं हो रहा है। परंतु यदि आप धीरज से बाट जोते रहें, एलिशिबा और जकरिया की तरह प्रभु के काम में लगे रहें और अपना धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, उसके पीछे चलते रहें, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए योजना है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं वो तेरी हानि की नहीं परंतु तेरी लाभ की हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के पास आपके लिए एक बेहतर योजना है, बहुत अच्छी योजना है, एक महान योजना है। इसलिए आप धीरज से उसकी बाट जोएं, आप पीछे नहीं हटें, आप निराश न होएं, आप उदास न होएं, आप ये ना सोचें कि कोई प्रभु नहीं है, आप पीछे ना हटें, आप बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उसके पीछे चलते रहें, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु ने जकरिया और एलिशिबा के जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे, तब आप जान जाएंगे कि प्रभु यीशु ही सच्चा और जीविता परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हैं हमारे ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हमारे परम प्रधान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सच में परमेश्वर पिता, हम विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो हमारे कानों ने सुना और हमारे हृदयों ने ग्रहण किया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवनों में चल सके प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने जकरिया और एलिशिबा के जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी पिता उन्हें आशीषित किया और उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब ये भाई, ये बहन, इनके परिवार में हर एक जन जब तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, यदि अभी तक इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें नहीं मिला प्रभु, यदि अभी तक प्रभु जो ये जो कुछ भी मांग रहे इन्हें नहीं मिला प्रभु, तो होने दे परमेश्वर पिता, ये तेरे समय की प्रभु, तेरे समय का इंतजार करें, ये बाट जो है परमेश्वर एक सही समय का परमेश्वर, ताकि जिस प्रकार जकरिया और एलिशिबा आशीषित हुए और उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई, ये बहन भी आशीषित होने पाए परमेश्वर। प्रभु आप जानते हैं कि ये किस समस्या से अभी गुजर रहे हैं परमेश्वर, आप जानते हैं कि इनके प्रार्थना का उत्तर क्या है, आप जानते हैं ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे पीछे अपने जीवन को इन्होंने लगाया है परमेश्वर पिता, और ये तुझ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु। होने दे प्रभु ये हताश ना होने पाए, ये निराश ना होने पाए परमेश्वर, परंतु प्रभु अपनी आशा को बनाए रहे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा ना टूटेगी। सच में प्रभु इन भाई बहनों की आशाओं को आप पूरी करें, और आने वाले समय में ये और इनके पूरे परिवार के लोग तुझ में आशीषित होने पाए परमेश्वर, ताकि अपने प्रार्थना का उत्तर पाके ये आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में बने रहे, और आप रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। सो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। जय मसीह की।